जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ एक ऐसे भगवत भक्त की कथा जो कि भव सागर से पार कराने वाले हैं, जिनका जीवन चरित्र सुनकर हम अपने हृदय के विकार को दूर करते हैं, परमागति को प्राप्त करते हैं। तो कौन है ऐसे भक्त? भक्त शिवाजी महाराज, जो कि ग्रस्त में रहकर भगवान की सेवा किया करते थे। इनको संतों की सेवा करना अति प्रिय था, इसलिए प्राय इनके दरवाजे पर संत आते ही रहते थे। इनकी समाज में भी बहुत प्रतिष्ठा थी, बहुत मान सम्मान था। इसी वजह से कुछ लोग इनसे ईर्ष्या करने लगे थे और ऐसे ही लोगों ने राजा से शिकायत कर दी इनके बारे में कि अभी भी, और वो वहाँ का जो राजा था उसको अज्ञानी था, वो उन लोगों की बातों में आ गया और बिना कुछ सोचे बेचारे शिवाजी महाराज को जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। आपकी तो संत प्रकृति थी, आपके लिए मान अपमान कुछ मायने नहीं रखता था, परंतु आपको इस बात का बहुत दुख था कि मेरी संत सेवा छूट गई, अब मैं संत सेवा नहीं कर पाऊंगा। एक दिन एक संत मंडली आपके घर आ जाती है, अब आपको इस बात का पता लग जाता है तो उनका हृदय बड़ा दुखी होता है और मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यदि मेरे पंख होते तो मैं उड़कर संतों के पास चला जाता, उनकी सेवा करता। कितना सुंदर भाव था शिवाजी का कि हे प्रभु यदि मेरे पंख होते तो मैं आज उड़कर चला जाता और संतों की सेवा करके वापस इधर आ जाता। भागने की नहीं सोच रहे हैं लेकिन सेवा की सोच रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो लाचार हूँ। सर्व समर्थ जो प्रभु है ना, वो हमारा अंतर्यामी है, वो हमारे हृदय की सुनता है जब आप सच्ची प्रार्थना करते हैं। सच्ची तड़पन उन्होंने, भगवान ने अपने भक्त की सुन ली है और मानसिक पीड़ा उनसे देखी नहीं जा रही। उसी समय ऐसा चमत्कार हुआ कि उनके हाथों की हथकड़ियाँ टूट गईं, जमीन पर गिर पड़ी हैं, जेल के फाटक भी अपने आप खुल गए और आप संतों के पास पहुँच गए हैं और भावपूर्वक उन्होंने संतों की सेवा की है। उधर राज कर्मचारियों ने देखा, अरे ये तो जेल का फाटक खुला पड़ा है, बेड़ियाँ टूटी पड़ी हैं। उन्होंने जल्दी से जाकर राजा को कहा, राजा ने कहा ढूंढ कर लेकर आओ। ढूंढने को वो कहीं खोए तो थे नहीं, कहीं गुम तो हुए नहीं थे, शिवाजी महाराज तो सीधे अपने घर पर ही गए थे। तो जब वो घर पहुँचे हैं उनके राजा के सेवक और उन्होंने देखा है शिवाजी को, तो वो तुरंत फिर से कैद करने लगे शिवाजी को। उन्होंने जब जैसे ही कैद करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया है और बेड़ियां डाली हैं, वो बेड़ियां टूटकर फिर गिर गईं। वो बेड़ियां दोबारा से टूटकर गिर पड़ी हैं। इस पर भी वो अज्ञानी राजा को समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा नहीं तुम उसको लेकर ही आओ, कैसे भी लेकर आओ। तो उसको शिवाजी महाराज को बांध कर राज दरबार में ले जाया गया है और राजा बोलता है कि जरूर ये कोई जादू टोने वाला है, इंद्र जाल फेंकता है, इसीलिए इसने ऐसा किया कि हथकड़ियाँ टूट रही हैं, जेल के फाटक खुल गए और ये यहाँ से भाग गया, इसलिए इसको पकड़ के लाके राजा ने जल्लादों से कहा कि इसको तलवार से मौत के घाट उतार दिया जाए। परंतु सीम की चाप सकई कोई तासू, बड़ रखवारे रमापति जासू। भला उसको कौन मार सकता है जिसकी रक्षा स्वयं भगवान ही कर रहे हो। जल्लादों के उठे हाथ ऐसे उठाए हैं ना, हाथ तलवार लेकर उठे ही रह गए हैं, क्योंकि वो प्राणी ना होकर एक तरह से एकदम फ्रीज कर दिया भगवान ने, चित्र के समान हो गए सारे लोग जो उसको मारने के लिए, शिवाजी को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे जल्लाद। तो उनके हाथ पैर ऐसे लगा जैसे कि सीज हो गए हैं, फ्रीज हो गए हैं, बिल्कुल खड़े के खड़े रह गए, हाथ ऊंचे उठे ही रह गए हैं, बिल्कुल शक्ति विहीन हो गए। ये वृत्तांत जब उनको राजा को सुनाया गया है कि ऐसे ऐसे करके शिवाजी को कोई नहीं मार पा रहा है और उनके हाथ खड़े रह गए हैं, तो भगवत प्रकाश से उनके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं। अब राजा को ज्ञान प्राप्ति हो गई है, उन्होंने नंगे पैर भागकर राजा कारागार में पहुंचे हैं और शिवाजी से दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगी है और उनको छोड़ दिया है। अब तो राजा ने उन ईर्ष्यालु व्यक्ति जिन्होंने शिवाजी महाराज की वो शिकायत करी थी ना राजा से कि इनको कारागार में डाल दो, ये गलत आदमी है, उनको राजा ने कारागार में डाल दिया और अपने सेवकों से कहा कि इन सबको मौत के घाट उतार दो। लेकिन शिवाजी महाराज कहाँ ये सुन सकते थे, उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं ये नहीं चाहता कि किसी को भी कोई कष्ट हो, आप इनको छोड़ दीजिए। तब राजा ने उनकी आज्ञा से, शिवाजी महाराज जैसा चाहते थे, राजा ने उन सबको छोड़ दिया और शिवाजी महाराज ग्रस्त में रहते हुए प्रभु सेवा करते रहे। ऐसे थे शिवाजी महाराज। वो शिवाजी महाराज की जय।